हेलो माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट क्लास सेवन आई इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज वॉल्यूम एंड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन फ्रेंड्स यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स आर अवेलेबल हियर सो आउट ऑफ दिस बॉल्स द फुटबॉल अकुपाई द मोर स्पेस यहाँ पे जो फुटबॉल है वो सबसे बड़ा है तो क्या कर रहा है वो स्पेस ज़्यादा आकुपाई कर रहा है अदर देन क्रिकेट बॉल एंड रग्बी बॉल्स ओके okay? यहाँ पे जोमेट्री बॉक्स है पेंसिल है और यहाँ पे बुक है सो so इसमें से कौन सी चीज ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं डेफिनेटली बुक्स ऑक्युपाई मोर स्पेस तो क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्युपाई बाय द सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है द स्पेस ऑक्युपाई बाय द सब्सटेंस जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं उस स्पेस को हम क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज कैपिटल वी नाउ वी विल सी वन एक्टिविटी तो क्या करना है एक ग्लास लेना है और एक कप लेना है उसमें से हमें क्या करना है वी हैव टू फिल द वाटर्स ओके फिल द ग्लास एंड कप विद वाटर नाउ ऑब्जर्व दैट विच देर इज मोर अमाउंट ऑफ वाटर तो किस चीज़ में मतलब ग्लास में या कप में ज़्यादा वाटर किस में होगा डेफिनेटली ग्लास में होगा बिकॉज ग्लास विल आक्यूपाई मोर अमाउंट ऑफ वाटर सो डेफिनेटली ग्लास कंटेन्स मोर वाटर देन अ कप सो द कैपेसिटी ऑफ एनवेल्स अकोमोडेट मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज होल्डिंग कैपेसिटी तो जो कंटेनर की कैपेसिटी है जितना अमाउंट वो लिक्विड होल्ड कर सकते हैं उसको कहते हैं हम होल्डिंग कैपेसिटी और डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम कप का और ग्लास का कंपेयर करते हैं तो ग्लास की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है डेफिनेटली ज़्यादा है यू कैन सी हेयर डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ वॉलूम हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर समझो क्यूब है तो क्यूब का वॉलूम हम कैसे निकालेंगे v इज इक्वल टू यस क्यूब यस क्यूब मतलब यस मीन साइड ओके तीनों साइड को मल्टीप्लाई करने से हम क्या मिलेगा वॉल्यूम निकलेगा तो दीज आर द सम फार्मूलेस ऑफ द सिमेट्रिक सॉलिड्स अभी मेरा सवाल है कि सिमेट्रिकल शेप अगर है तो यू कैन यूज़ द डिफरेंट फार्मूलेस एज पर गिवन हियर अगर शेप हम इरेगुलर शेप है समझो यहाँ पे स्टोन दिख रहा है आपको तो ये क्या है इरेगुलर सॉलिड है तो इसके वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे देर इज़ नो फार्मूला फॉर इट सो कैसे निकालेंगे तो चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मुझे एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उसमें वाटर फिलअप करना है तो यहाँ तक समझो हमने वाटर लिया तो इसको हम मार्क करेंगे और उसको कहेंगे हम वी वन ओके मेजर द वॉल्यूम वी वन एट अ सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड बाय मेजरिंग सिलेंडर अभी उसमें क्या करेंगे जो शेप है जो इरेगुलर शेप वाला सॉलिड है उसको हम एक थ्रेड से टाई करके अंदर छोड़ेंगे पैन को मतलब एक जो अपना मेजरिंग पैन रहता है वेट मेजर करने के लिए उसका यूज़ करेंगे या सीधा सिंपली हम अंदर उसको छोड़ेंगे छोड़ने के बाद यहाँ पे जो वाटर की लेवल है दैट विल डेफिनेटली इंक्रीजेस तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई यहाँ तक तो ये क्या है लिक्विड की लेवल है तो इसको कहेंगे हम वी टू और इसको कहेंगे वी वन नाउ सब्ट्रैक्ट वी टू फ्रॉम वी वन फ्रॉम वी टू तो वी टू माइनस वी वन लिखेंगे तो दैट विल बी वॉट द वाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड मेजर द मास ऑफ यम इसका हम मास अगर निकालेंगे बाई यूजिंग द टॉप पैन बैलेंस पैन बैलेंस जो यहाँ पे है उससे यूज करेंगे तो दैट विल बी द सेम तो इस प्रकार हम इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड ओके यू कैन सी हियर डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स आर अवेलेबल टू मेजर द वॉल ऑफ लिक्विड लिक्विड के वॉलूम निकालने के लिए अलग अलग वेसल्स अवेलेबल है ये क्या है बीकर है मेजरिंग बीकर इसमें मेजरिंग uh, कर सकते हैं लिक्विड कौन सा भी केमिकल है या कौन सा भी लिक्विड तो मेजर कर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्या है मेजरिंग सिलेंडर्स है यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है इसकी भी कैपेसिटी अलग अलग है ऑल आर द मेजरिंग वेसल्स नाउ द कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल जस्ट हमने अभी सुना है कि कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल्स अकोर्डेट मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज होल्डिंग कैपेसिटी और बीमिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल्स तो वेसल की क्या कर रहती है कैपेसिटी रहती है लिक्विड को अकोमोडेट करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल्स नाउ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम की यूनिट कौन से है क्यूबिक मीटर दैट इज एम क्यूब इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है क्यूबिक मीटर है मतलब एम क्यूब है सो द स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम डेफिनेटली क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज सी सी और वी कैन राइट दैट सी एम क्यूब नाउ यूनिट कन्वर्जन वन क्यूबिक मीटर मतलब क्या एम क्यूब एम क्यूब मतलब वन मीटर इंटू वन मीटर इंटू वन मीटर दैट कैन बी रिटन एज अंड्रेड सेंटीमीटर इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर सो इट विल सी यू कैन सी टेन टू द पावर सिक्स ओके टेन टू द पावर सिक्स मतलब टेन लाख क्यूबिक सेंटीमीटर ओके दिस इज यूनिट कन्वर्जन वन क्यूबिक सेंटीमीटर वन क्यूबिक मीटर मतलब क्या है टेन लाख सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है लीटर एंड मिलीलीटर आर अदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड देयर सिंबल्स आर L, that is for liter, and ML for milliliter, respectively. Thank you, my dear students.